आजकल आपने सुना होगा कि बिना मौसम के ही बारिश करा दिया जा रहा है, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? आजकल इंसान बिना किसी मौसम बारिश करवा दे रहा है। तो यह सब मुमकिन होता है आर्टिफिशियल रेन के जरिए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। और अब इंसानों के पास ऐसी ताकत आ गई है जिसे बिना किसी वक्त के भी बारिश करवा सकता है। तो पहले हम यह देख लेते हैं कि आखिर बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज होता है सूरज। जब सूरज समुद्र की सतह को गर्म करता है तो पानी वेपोरेट होकर गैस बनकर आसमान में चला जाता है, और आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाता है, और पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट मिलकर बादल का शक्ल बना लेते हैं। लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्यूरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी भी टाइप का कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही इन पानी के पार्टिकल्स का सामना किसी मिट्टी के पार्टिकल्स या फिर किसी प्रदूषण के पार्टिकल से होता है, तो ये आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं, और ये आपस में मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्थ की ग्रेविटी इनको अपनी तरफ खींच लेती है, और ये ड्रॉपलेट्स नीचे जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम बारिश कहते हैं। यह था बारिश का एक बेसिक फंक्शन। लेकिन आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग के जरिए कैसे बारिश करवाया जाता है? क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शेफर ने डेवलप किया था, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल बादलों के ऊपर हवाई जहाज के जरिए छिड़काव किया जाता है, और सिल्वर आयोडाइड बादलों में मौजूद छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, और आखिरकार यह ड्रॉपलेट्स इतनी हैवी हो जाते हैं कि वह बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। आर्टिफिशियल रेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुबई करता है, क्योंकि दुबई एक रेगिस्तानी जगह है जहां बारिश बहुत कम होता है या ना के बराबर होती है, और यहां पर तेल से ज्यादा महंगा पीने वाला पानी है। दुबई के पास पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वह पानी पीने के लायक नहीं है, क्योंकि यह है साल्टी वाटर, और अगर यह साल्टी वाटर पिया जाए तो यह इंसान मर भी सकता है। तो आखिर दुबई पीने का पानी लाता कहां से है? तो इसके लिए दुबई में बहुत बड़े बड़े रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स लगे हैं, जो समंदर के पानी में से सॉल्ट्स निकालकर उसको पीने के लायक बनाते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ साथ ज्यादा बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कास्ट दुबई को $60 यानी 4500 पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। इसके लिए दुबई ने हजर के पहाड़ों में एक बांध बनाया है, और जिसके लिए आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है, और जब बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ समंदर में जाने के बजाय इस बांध में इकट्ठा हो जाता है, और यह पानी दुबई के लोगों को पीने के काम आता है, और दुबई इस पानी से बिजली भी प्रोड्यूस करता है। और जहां दुबई को फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्चा ₹4500 आता था, वही क्लाउड सीडिंग से यह काम सिर्फ ₹75 में हो जाता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, और ऐसे ही साइंस से जुड़े वीडियो देखने के लिए इंडियन जीनियस साइंटिस्ट चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।